हाय दोस्तों, आज का हमारा स्नैक्स है बच्चों की फेवरेट पोटैटो स्माइली। वैसे भी बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए स्नैक्स बनाते हैं। बच्चे तो देखकर इससे खुशी हो जाने वाले हैं। जो हम बाहर से ख़रीद कर लाते हैं पोटैटो स्माइली, अब हम घर पर ही बनाएंगे एकदम कम सामानों में इजी तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पोटैटो स्माइली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल कर घिस लिया है। अब हम इसको एक मिक्सिंग बोल में डाल देंगे। मैंने आलू को बड़े ग्रेटर से ग्रेट किया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच सूजी डालेंगे। यहाँ मैंने बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है। सूजी जो है आलू के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और हमारी स्माइली को क्रिस्पी बनाएगा। इसके बाद अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर अभी डाले हैं। कॉर्नफ्लोर से बाइंडिंग अच्छी आएगी, इसलिए मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है, क्योंकि मार्केट वाला टेस्ट लाने के लिए हमें कॉर्नफ्लोर यूज़ करना होता है। हमें बाद में और कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत होगी तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसको गूंद कर एक डो बना लेंगे। जैसा हम आटे का डो बनाते हैं, हमें वैसा ही डो बनाना है। अब हम फटाफट से सारी चीज़ों को मिला के डो बना लेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैंने इसका डो बना लिया है। अब हम इस डो को चेक करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया है, तो अब हम इसमें 3 चम्मच और कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे और कॉर्नफ्लोर डाल के इसको एक बार और गूँथ लेंगे। हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे फिर से एक बार। ये हमारा परफेक्ट डो बन के रेडी हो गया है। अब हम रोटी बनाने वाला चौका ले लेंगे। इसके बाद इस पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के इसका लोई बना लेंगे। उसके बाद हम हल्के हाथ से बेलन की हेल्प से इसको बेल लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसको मोटा ही रखना है। इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। इसके बाद यहाँ मैंने ये वाटर बॉटल वाला कैप ले लिया है। ये आप देख सकते हैं, इस पर मैंने कॉर्नफ्लोर लगा लिया है जिससे ये इसमें चिपके ना। आप गोल शेप वाला कुछ भी, कोई भी ढक्कन यूज़ कर सकते हैं। हम इसी तरीके से सारी स्माइली कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें से एक्स्ट्रा कटिंग निकाल के साइड कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, यह मैंने इसको देख सकते हैं कितना मोटा कट किया है। इसी तरीके से हमें कटिंग करना है। इससे हमारा जितना भी स्माइली होगा सब परफेक्ट बनेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। इसके बाद यहाँ मैंने ये स्ट्रॉ लिया है जिससे हम जूस पीते हैं। हम इसी स्ट्रॉ से स्माइली में आइस बनाएंगे। इस तरीके से हम राउंड राउंड करके सारे स्माइली में आइस बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको गोल गोल ऐसे घुमा लेंगे और फिर आइस बना लेंगे। और यहाँ मैंने सारे स्माइली में आइस बना के रेडी कर लिया है। इसके बाद यहाँ मैंने 1 चम्मच ले लिया है। हम इसी चम्मच की हेल्प से इसका स्माइल बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हम इसके स्माइल बनाएंगे और पीछे के साइड में इसको ज़रा सा पुश करेंगे जिससे इसके स्माइल ओपन हो जाए। ये देख सकते हैं, हम इसी तरीके से सारी स्माइल भी इसकी बना के रेडी कर लेंगे। और ये देख सकते हैं आप, मैंने ये सारी स्माइल बना के रेडी कर लिया है। आप किसी भी शेप से, अपने पसंद की भी शेप से कोई भी स्माइली बना के रेडी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरा स्माइली कम सैड वाला ज़्यादा लग रहा है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये स्माइली का शेप कैसा लगा। उसके बाद हम दूसरी लोई लेंगे और बेलन की हेल्प से इसको भी बेल लेंगे थोड़ा मोटा, और कैप की हेल्प से सारी कटिंग कर लेंगे स्माइली की। अगर आपको हमारी ये स्नैक्स की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ मैंने दूसरा वाला भी स्माइली बना के रेडी कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें सारा स्माइली बना के रेडी करना है। सारा स्माइली रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने पहले ही ऑयल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें स्माइली डाल देंगे।
हमें फ्लेम को मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, नहीं तो हमारी स्माइली ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी। अब हम इसको हल्का गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अब जब तक हमारी स्माइली फ्राई हो रही है, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हमारी स्माइली ये ब्राउन हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। हमें इसी स्टेज पे इसको निकाल लेना है, नहीं तो ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो इसका कड़वा टेस्ट आने लगेगा। हम इसी तरीके से सारी स्माइली को गोल्डन कलर आने तक का फ्राई कर लेंगे। हम बीच बीच में पलटते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं सारी स्माइली हमारी फ्राई होके रेडी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं सारी स्माइली बनके रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। यह हमारी पोटैटो स्माइली बनके रेडी हो गई है। मैंने पोटैटो स्माइली में जितना भी मटेरियल यूज़ किया है, सारा मटेरियल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, प्लीज़ आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये पोटैटो स्माइली का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।